क्या सीज करें, जब क्या करें? जब क्या गाड़ी को आपने जब्त कर दिया, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना था और आपने उसको गाड़ी के लिए ओरिजिनल कागजात लो। ओरिजिनल हम तो अभी ओरिजिनल आपको जमा करें, लेकिन डीजी लॉकर में होते हुए आपने क्यों नहीं माना? क्यों डीजी लॉकर में होते हुए आपने क्यों नहीं माना, इसका क्या रीजन रहा? हम क्या जब्त करें है? दस्तावेज क्या जब्त करें जी? आपको जब्त करने के दस्तावेज जब्त करने की कहाँ जरूरत है? हम कहते हैं कि डीजी लॉकर आपको ये जानकारी में नहीं है, आपके या तो पढ़ाई का अभाव है, आपके अधिकारियों से आप एक बार पूछिएगा डीजी लॉकर के दस्तावेज वैलिड है या नहीं है। आप अफसर नहीं है? आप अफसर नहीं है? अफसर है सब, मैंने सीज कर दिया। नहीं अफसर, खाली आपको सीज करने का पावर है, आपको डॉक्यूमेंट चेक करने का डिजी लॉकर की जानकारी नहीं है। आपको इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 139 क्या कहता है कि अगर फोटोकॉपियां भी अगर किसी ने दिखा दी है या फोटोकॉपी अगर मोबाइल में दस्तावेज है ओरिजिनल अगर वेरीफाइड करते हो तो आप नोटिस दो 15 दिन में आपको डॉक्यूमेंट दे। गाड़ी चोरी होते हैं उसके पास ओरिजिनल देकर फोटो जगह हो तो गाड़ी और क्या चेक किया हमने? गाड़ी का ओरिजिनल का नहीं, आपके पास में कोई चोरी का वाहन है आपके पास में? सीसीटीएनएस में आपका सीसीटीएनएस में एफ दे रखा है, आपको गाड़ी चेक करने का अधिकार है कि गाड़ी का चोरी है या उसकी एफआईआर है या नहीं है, वो भी चेक करने का आपका अधिकार है। आप वो आपके पास अधिकार है, लेकिन आपने उसका चेक नहीं करते हुए आपको सिर्फ रिश्वत नहीं देना, आपको 100-200 रुपए मांग करने पर आपको नहीं दी गई इसलिए आपने गाड़ी सीज किया, क्या ये बात सही है? क्यों आपको अगर पैसे नहीं दिया अच्छा आपने इसीलिए गाड़ी सीज किया, खुनस की वजह से किया? हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है ना लोनाराम। आपके पास में अगर गाड़ी सीज किया था, आपने जब मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से आपने बताया तब इन्होंने नहीं माना और आपसे क्या कहा कि 100-200 रुपए देना उसके बाद में गाड़ी को छोड़ा, ये कहा आपको? मेरे को कहा 200 रुपए दो मैं गाड़ी सीज कर दूंगा तुरंत। जब आपने 200 रुपए नहीं दिया तब आपसे गाड़ी सीज किया? गाड़ी सीज की, गाड़ी आपने करी। ठीक है धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं। क्या ये डिजी लॉकर में जो दस्तावेज है, क्या ये आपको डिजी लॉकर में अगर कोई भी ड्राइवर या गाड़ी का मालिक अगर आपको दस्तावेज बताता है क्या आप इसको चेक करने के बाद वैलिड है या नहीं है? पास में नहीं होना पाएगा। मैं कहता हूँ कि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स है मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम जो कहता है वो पास में नहीं है। वाहन अधिनियम जो कहता है कि डिजी लॉकर में अगर दस्तावेज है तो वो वैलिड माना जाता है, वो ऑनलाइन है, वो सही है, और डिजी लॉकर में ओटीपी आने के बाद में वो वेरीफाइड दस्तावेज है, क्या आप उसको वैलिड मानते हैं या नहीं मानते हैं? पास में नहीं होना माना। पास में नहीं होना, क्या आप सरकार के आदेश है और सरकार के जो एक्ट बना हुआ है उन्होंने जो आदेश दिया हुआ है क्या आप उस आदेश की अवमानना करते हो क्या? नहीं करते। नहीं करते तो आप डिजी लॉकर का जब सरकार कह रही है कि साहब डिजी लॉकर के अंदर जो दस्तावेज वैलिड है पास में नहीं होना पाया गया, दस्तावेज पास में नहीं हुआ। मैं सिर्फ क्या कहता हूँ, पास में नहीं, मैं कहता हूँ, मैं आपसे सवाल क्या करूँ, पहले आप उसको पूछो, मानो आप क्या डिजी लॉकर में किसी का भी डिजी लॉकर में अगर दस्तावेज है वो आप उसको वैलिड मानते हैं या नहीं मानते? मानते डिजी लॉकर वाले को? मैं कहता हूँ डिजी लॉकर किसे कहते हैं, पहले आपको ये मैं समझाऊंगा डिजी लॉकर क्या होता है, आपको जानकारी में है? मैं कह रहा हूँ डिजी लॉकर किसे कहते हैं, मैं कहता हूँ डिजी लॉकर किसे कहते हैं, आपको जानकारी में है? डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर क्या होता है? मैं कहता हूँ डिजी लॉकर क्या है? बाड़मेर में डिजी लॉकर बने नहीं है? बने हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ कहाँ? आपके पास माने नहीं है। डिजी लॉकर होता क्या, मैं आपको ये पूछता हूँ, आप एक अधिकारी है, आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि डिजी लॉकर क्या होता है, आपको इसके बाद में पता था? आपके लिए रखा है, आपकी हिफाजत के लिए, यादगार के लिए मोबाइल में फीड कर रखा है। हमारी ऑनलाइन है, ठीक है, मान ली दस्तावेज चेक के पास में नहीं मिला, बस डिजी लॉकर नहीं होगा तो आप उसके वाहन को सीज कर दोगे? अगर डिजी लॉकर में अगर होता है तो आप सीज कर दोगे? अगर डिजी लॉकर में दस्तावेज उसके पास सब पड़ा है, इंश्योरेंस है सब, तो डिजी लॉकर क्यों बनाया? मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास में बैंक का खाता, जैसे कैशलेस इंडिया जो डिजिटल युग बना रही है यहाँ पर भारत को बना रही है, वो कहते हैं कि आपको जेब में नगद रखने की जरूरत नहीं है, आपके खाते में पैसे पड़े हैं, आप फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर रहे हो, तो डिजी लॉकर का मतलब यही है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल है, डिजी लॉकर में है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो आपने माना नहीं है, तभी तो आपने जाकर के इस गाड़ी को सीज किया है, क्या ये विधि विरोध नहीं है क्या? क्या ये अनलीगल नहीं है क्या? डिजी लॉकर में दस्तावेज होते हुए आपने गाड़ी को सीज किया है, क्या ये गलत नहीं है क्या? नहीं, दस्तावेज क्या सीज करें, जब क्या करें? जब क्या गाड़ी को आपने जब्त कर दिया, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना था और आपने उसको गाड़ी के लिए ओरिजिनल कागजात लो। ओरिजिनल हम तो अभी ओरिजिनल आपको जमा करें, लेकिन डिजी लॉकर में होते हुए आपने क्यों नहीं माना? क्यों डिजी लॉकर में? ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।